Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
जी का पाठ 17वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं परेषु काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहितम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्य विधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञश्च विहिता पुरा तस्माद्भूमेत्युदासेत्य यज्ञदानतपक्रिया
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सवित्ये तत्प्रयोज्यते रसस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाठयोज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थो न तत्प्रीत्यनुह्य अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थो न तत्प्रीत्यनुह्य न तत्प्रीत्यनुह्य श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु वृङ्गविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धार्थविभागयोगो नाम सप्तदशः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दम् वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सरदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 5 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम।
की जानने की और मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति में कर्म योग है, जानने की शक्ति में ज्ञान योग है, मानने की शक्ति में भक्ति योग है। भगवान की अपरा परा और भगवान तीन है, तो अपरा में कर्म योग है, परा में ज्ञान योग है और शैव में भक्ति योग है। ये दो शक्तियां भगवान की अपरा परा। तो संसार से संसार में काम आने लगा कर्म योग है, अपने में काम आने लगा ज्ञान योग है, भगवान के काम में आने वाला भक्ति योग है। कर्म योग से है उदार होता है, संसार के लिए उपयोगी होता है और ज्ञान योग से स्वतंत्र हो जाता है, इस बात से वो अपने लिए उपयोगी हो जाता है। और भक्ति योग से प्रेमी हो जाता है तो वो भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। इधर ये संसार है, उधर परमात्मा है, बीच में स्वयं है। परमात्मा का अंश है और संसार की जो अपरा प्रगति को पकड़ा है, तो अपरा प्रगति का उपकार कर दे, अपना त्याग कर दे, इनकी सेवा कर दे, कर्मयोग हो जाता है, अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाता है, ज्ञान योग होता है, भगवान की तरफ प्रेमी हो जाता है, भक्ति योग हो जाता है। तीन होने से मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाता है, किसी तरह की कमी नहीं रहती। कमी तो एकदम ही नहीं, कर्म योग होने पर भी मुक्त हो जाता है, ज्ञान योग होने मुक्त हो जाता है, भक्ति होने मुक्त हो जाता है, मुक्त होने में तो कमी नहीं रहती, क्योंकि बंधन तो संसार का ही है। संसार क्या है, जो मिट रहा है उसको है मान लिया, ये बंधन है। संसार का ज्ञान हो जाएगा तो विलुप्त हो जाएगा, संसार तो मिटता ठहरता है कई क्षण, एक ही क्षण में नहीं जाएगा, और आप स्वयं को मिटते ही नहीं, ये नित्य निरंतर है ही रहता है। तो संसार का ज्ञान होने से वैराग्य हो जाएगा, अपने ज्ञान होने से ज्ञान हो जाएगा, और भगवान को मान लेगा तो भक्ति हो जाएगी। भगवान जानने का विषय नहीं है, जानने का विषय वो होता है जो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है और जानने पर जिज्ञासा पूर्ण होती है, ज्ञान हो जाता है, और जिसमें जानते कुछ भी नहीं उसमें मानना होता है, ईश्वर के विषय में मानना ही होता है, जानना ही होता है। शास्त्र कहता है इस वास्ते मानते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इस वास्ते मानते हैं, जानते नहीं। संसार है, शरीर है, इसको हम जानते हैं और इसमें जानने वाला एक है उसको हम जानते हैं, ये जड़ अजड़ चेतन जड़ है, इनको इनका हमें भान होता है, इस वास्ते कर्म योग ज्ञान योग हमारे चलता है। भक्ति योग माने पर है, भगवान को माने तो नहीं हो। तो दार्शनिक दो बातों पर ज्यादा करते हैं, संसार पर और अपने पर। परमात्मा पर तो आस्तिकता है, ये भौतिक दर्शन है कर्म योग, आध्यात्मिक दर्शन है ज्ञान योग, आस्तिक दर्शन है भक्ति योग। भक्ति योग में सर्वथा पूर्णता, कर्मयोग में शांति है, परम शांति है, और ज्ञान योग में अखंड आनंद है, भक्ति योग में अनंत आनंद है, प्रतिक्षण वर्तमान है और उनमें शांत आनंद है। संसार के संबंध से अशांति होती है, दुख होता है, संताप होता है, जन्म होता है, जन्म मरण होता है, सब अनर्थ असत के संबंध से होता है। असत के संग का त्याग कर्मयोग से हो जाता है, कर्मयोग से असत का त्याग हो जाता है, संसार से अलग हो जाता है, जो शांति मिल जाती है, दुख मिट जाता है। संसार के संबंध से दुख है, दुख मिट जाता है, शांति मिल जाती है, अपने स्वरूप में स्थित होने से
अखंड ईशा नित्य आनंद प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा क्षेत्र में नित्य वर्धमान आनंद नित्य ही बढ़ता रहे। जैसे संसार के संबंध से लोभ और भोग बढ़ते रहते, संग्रह की इच्छा भोग की इच्छा बढ़ती रहती मिटती है ही नहीं, त्याग से मिट जाती है, अपने में शांत रस हो जाता है। अगर भगवान में लग जाने से आनंद बढ़ता ही रहता। जैसे संसार के संबंध में दुख बढ़ता ही रहता है, ऐसे परमात्मा के संबंध में आनंद बढ़ता ही रहता। प्रतिक्षण वर्धमानम अगर विचनी प्रेम स्वरूपम, वो मिठास नया नया होता रहता, आनंद आता रहता विलक्षण। ज्ञान में एक शांत आनंद है, घन आनंद है, शब्द है, चेतन आनंद है, ऐसा ज्ञान में है। ज्ञान में एक स्वतंत्रता हो जाती है ज्यादा। कर्म योग से है, कर्म और योग दो है ना, कर्म योग से संसार का उपवास होता है, अपने को शांति मिलती है और व्यवहार शुद्ध हो जाता है, ये संसार अच्छा हो जाता है, मन सबका उपयोग हो जाता है। कर्म योग से संसार काम आ जाता है, संसार में जो व्यवहार है इसमें शुद्धि आ जाती है, कर्मयोग से उदारता आ जाती है, तो संसार के लिए उपयोग हो जाता है, व्यवहार अच्छा हो जाता है, सुधार हो जाता है। ज्ञान योग से अपना कल्याण हो जाता है, अपना उद्धार हो जाता है। कल्याण संसार के संबंध विच्छेद से भी हो जाता है, संबंध विच्छेद कर्म योग से होता है, कर्म से संबंध होता है, योग से विच्छेद होता है, कर्म योग से संसार से सिद्ध होता है, कर्मों से संबंधित संबंध होता है संसार का। क्रिया और पदार्थ ये दो कार्य है प्रकृति के, क्रिया और पदार्थ, इन दोनों में आसक्ति लेने से कर्म योग सिद्ध होता है। यदा इंद्रिया तेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न पदार्थों में न क्रियाओं में न व्यक्ति में आसक्ति नहीं रहती, इसे उपराम हो जाता है, कभी हो जाता है। समता का नाम योग, समत्व योग, दुख संयोग वियोग, समत्व दुख संयोग वियोग संसार का वियोग हो गया, और समता स्वरूप में स्थित हो गया, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर मौज हो जाती, आनंद हो जाता है, बड़ी दक्षिण शांति मिलती है। वो शांति प्रतिक्षण वर्धमान आनंद की है, ये दृष्ट आनंद की शांति है, ज्ञान है और हलचल रहित शांति है कर्म योग में, और कर्म में आना जाना उसे है। शुभ काम करते ऊपर गए, अशुभ काम में नीचे गए, गतागतन काम काम लगन के पदार्थों की इच्छा वाला गतागत को प्राप्त होता है। आसक्ति से मिलता कुछ नहीं है, कामना से मिलता कुछ नहीं है, कामना होने से पराधीनता होती है, वो पराधीनता कामना पूरी होने पर भी वैसी रहती है। कामना होने पर मनुष्य समझता है कि भाई एक घड़ी मिल जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, इतना रुपया मिला तो स्वतंत्र हो जाएंगे, तो रुपया मिलने पर घड़ी के पराधीन हो गए, रुपयों के पराधीन हो गए, पराधीन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। घड़ी नहीं थी तो पराधीनता अनुभव किया, खड़ा घड़ी नहीं है तो पराधीनता का अनुभव, घड़ी मिल गई तो स्वाधीन हो गए, पराधीनता मिट गई। पराधीन तो वैसी पर नाम घड़ी नहीं मिले तो घड़ी के अधीन, घड़ी मिले तो घड़ी के अधीन, मोटर न मिले तो मोटर के अधीन, मोटर मिले तो मोटर के अधीन, पराधीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज के अभाव में पराधीनता का अनुभव होता है और वस्तु के भाव में पराधीनता का अनुभव नहीं होता, अंधा हो जाता है, अंधा पराधीन कैसी होती है, वस्तु मेरे से अंधा हो जाता है, बुद्धि मारी जाती है, तो समझदार में तो हो गया सब।
ये खरगोश होता है ना ससला, तो ससले की बात है कि ये छिप जाता है, तो छिप जाता है कि आंख मीच लेता है, वो आंख मीच वो समझता है अब मैं दिखूंगा नहीं, दिखता वो नहीं सोचता मैं नहीं दिखूंगा, है जो जो दिखता आंख मीचने पर इस तरह से है भोग और संसार मिलता है वो देख बस अब शांति होगी आनंद होगी आंख मीचने तो अंधा हो गया अंधा मिला मिला कुछ नहीं, जब तक काम न रहती तब तक सजग रहता है, मिल दिया मिल दिया मिल दिया अंधा हो जाता है, पराधीनता वैसी की वैसी केस जीती भी परंतु न मिटी नहीं, पहली वस्तु नहीं मिलने की इच्छा थी तो इच्छा भी तो बंद था, अब मिल गई तो ये रहती है तो बनी है, ये बनी तो रहेगी नहीं, पराधीन तो वैसे ही वैसे ही, तो कामना में आदमी पराधीन होता है, तो कामना का त्याग करता है, त्याग कर तो स्वतंत्रता हो जाए। एक जगह व्याख्यान पढ़ा गए कहते जो चाहते हैं वो तो मिलता नहीं, मिलता है वो भाता नहीं, भाता है वो ठहरता नहीं, तो क्या करे आफत है, तो मूल में चाह नहीं छोड़ दो बस ठीक हो जाएगा, चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाह ये सो सहन बदी शाह, वो बादशाह वो बादशाह, चाह नहीं कुछ भी चाह नहीं, कुछ भी चाहना नहीं होने से स्वरूप में स्थिति हो जाती है, स्वरूप में स्थिति तब तक नहीं होती जब तक कुछ चाहता है, शरीर बना रहे पदार्थ बना रहे मान आता रहे आदर हो जाए लोग अच्छा समझे तब तक ज्ञान वाल कुछ नहीं है, मुख ही मुख है, चाह गई तो चिंता बैठी, ये मिट जाती है तो चिंता नहीं थी फिर कोई बात नहीं, जिसकी कुछ नहीं चाहिए तो शाहन बदशाह बादशाह शरीर भी रहे न रहे जावे अच्छा रहे बीमारी रहे सुनाई रहे आदर हो जाए निरादर हो जाए प्रशंसा हो जाए निंदा हो जाए अनुकूलता मिल जाए प्रतिकूलता मिल जाए जीवन मिल जाए मृत्यु हो जाए मौत होती है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क जीने में मरने में होता है, वस्तु के आने में जाने में होता है, उसमें फर्क पड़ता ही नहीं, आने जाने के अधीन होता है वो फर्क पड़ता, जीने मरने में जो अधीन होता है ना किसी की चाह ना होती तो पराधीन होता है, चाहना नहीं है तो जीवे तो क्या है मरे तो क्या है आवे तो क्या जावे तो क्या आदर हो तो क्या निरादर हो तो क्या, लक्ष्मी समाप्त गत सतु आ जाती सब कितने लक्ष्मी आ जाए सब चली जाए, अपने स्वरूप में स्थित है मौत से वो पर कोई चाह ना है कोई बात नहीं है, न राग है ना द्वेष है ना हर्क है ना शोक है ना अच्छा है ना मंदा है ना अनुकूलता है प्रतिकूल, राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लव देशा ऊंचा उठ जाता है संसार से, संसार से ऊंचा होता तो शांति हो जाती आनंद हो जाता, संसार में सुख चाहता है वो दुख भोगता है, नियम है संसार की अनुकूलता का सुख भोगने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही अच्छा महात्मा हो जाए संत हो जाए वृद्ध हो जाए त्यागी हो जाए बड़ी भारी सिद्धियां आ जाए संसार में नाम हो जाए पूजा हो जाए आदर हो जाए महिमा हो जाए कुछ भी चाहना है तब तक शांति नहीं है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये अशांति का मूल है, अगर मनुष्य सावधान रखे ना तो ये करे ऐसा होना चाहिए ना करे ऐसा नहीं होना चाहिए शांति हो जाएगी, बहुत से लोग पूछते बड़ी अशांति है तो भाई कोई पकड़ी है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए फिर अशांति बहुत, और ये खतरा उठ गया यू है तो वार यू है तो वार अपने कोई फर्क नहीं पड़ता
मुक्त हो गया, इसके नाम मुक्त होना है। ये जब तक रहती है तब अराधी नहीं रहता है। लोग समझते हैं धन हो जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, कोई साथी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, अच्छा मित्र मिल जाए सुखी हो जाएंगे, पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। कोरा बहन है, निखाल शुद्ध बहन है, किंचित माध्यम फर्क नहीं, आफत होगी होगी और बढ़ेगी, अनुकूलता में जाएंगे तो आफत बढ़ेगी, इधर तो हो जाएगा अंधारी से बढ़ जाएगी आफत, दो दुख हो जाएगा, चीज नहीं मिली, आंख खुली रहती है एक आफत रहती है, चीज मिलने में आफत एक नहीं होता है। उसको संभाल कर रखो, सा घड़ी है कोई ले न जाए, ठीक नहीं खराब न हो जाए, है ही नहीं तो क्या खराब हो, क्या ले जाए कोई, बोल रहती। तो वस्तु के द्वारा जो सुख चाहता है, शरीर के द्वारा जो सुख चाहता है, धन के द्वारा सुख चाहता है, कभी सुखी होगा ही नहीं। नाशवान के द्वारा सुख कितना दिन रहेगा, स्वयं ही नाशवान होता तो आफत मर जाती, परंतु ये स्वयं मरता नहीं, ये आफत है बड़ी। शरीर मर जाए, ये भी मर जाए, नहीं रहे तो ठीक हो जाए, क्या करे मरता नहीं, इस वक्त आफत मिटती है। जिन चीजों को समझते हुए तो मर जाती है, ये दे देता जीता है दुख पाता मुफ्त, इनकी इच्छा ही छोड़ दे भीतर से, मजा ही न मिले। कहते शरीर बिना भजन कैसे होगा, भजन शरीर से नहीं होता है, शरीर तो भजन तो आप खुद से होता है, नाम जब शरीर से होता है, पर भजन नाम है प्रेम का, पर नगारे सुनो प्रेम सम भजन सराहन, प्रेम खुद में होता है, राग तो अंतकरण होता है, खुद में राग नहीं होता, खुद में प्रेम होता है, राग अंतकरण होता है। तो प्रेम सम भजन नहीं है दूसरा कोई, अस बिचारी पुनी पुनी मने करत राम गुणगान, ऐसा मतलब भगवान के गुणगान करते हैं लोग, तो प्रेम हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारे लगे, भगवान की लीला प्यारे लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे। क्यों प्यारा लगता है कि माँ सबको अच्छी लगती है, क्यों माँ से पैदा हुआ है तो परमात्मा का अंश है ना, ये संसार भूल गया, खेल में लग जाए तो माँ को भूल जाता है, खेल में लग जाता है माँ को भूल जाता है, ऐसे संसारी भोगों पर जो भगवान को भूल जाता है। भगवान देते हैं चीज जिस ढंग से, जो जड़ाते ही नहीं, वो समझे मैंने किया मेरी है, मेरी कुछ है नहीं, प्रेम पड़ता है। भगवान विलक्षण है, वे भक्तों पर भी कृपा करे, आप भक्तों पर ही करे, विरोधियों पर गए, नास्तिकों पर गए, बरूबर भगवान की मोह पर बराबर जाए, मोर सब बराबर जाए, सब पर मोर बराबर जाए, भगवान की बनाई हुई प्रति आस्तिकों के नास्तिकों को सबके लिए बरूबर, भगवान की बनाई हुआ जल सबके लिए बरूबर, भगवान का बनाया वायु सबको श्वास लेता है, भगवान का बनाया हुआ अन्न सबको भोग मिटाता है, भगवान का बनाया जल सबको तृप्त करता है, भगवान का अपना प्रकाश सबको मिलता है, आस्तिक नास्तिक कसाई को सब भगवान कृपालु, वो देखते नहीं तो भाई अच्छा है कि बंदा है। जैसे वर्षा के समय जब वर्षा होने लगती है तो वर्षा नहीं देखते आम का है कि ये पेड़ बम्बूल का है कांटों वाला है, वो तो बरस जाता है, समुद्र में बरस गया कोई जरूरत है, कैसे भगवान कृपा करते सब पर, सब पर मोरी बराबर दया, सन्मुख होता है पकड़ लेता है, विमुख होता है नहीं पकड़ पाता, जल ऊपर से धारा आती है घर सामने कर तो भर जाए, उल्टा करे तो सूखा रह जाए, इतना जल ओर से गिर रहा है सूखा पड़ा, जितने सूखा गिला ही नहीं, ऐसे भगवान से विमुख होते गीला ही नहीं आते, सुख के सुख ही रहते,
जन्म को जब ही तो जन्म को तब ही मनो के सम्मुख होते ही सब दुख मिट जाते, सब संताप सब मिट जाते, परम शांति परम आनंद हो जाता है। सम्मुख हो असली चीज जहां से पैदा हुआ जिस कारण से असली शांति उसी मिलने से है। पर भगवान का भी सोने से अपने काम चला लेता है, तब तो ज्ञान से काम चला लेता है। भगवान का अंश है, भगवान में प्रेम होने से फिर तो बात ही मेरा ही है, अरूप बात विचित्र बात। इस वास्ते अपने तो भगवान को याद करो भाई। भागवत माया है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। कोई कामना नहीं, कुछ चाहते नहीं, कुछ नहीं चाहना, तो लोग परलोक विराग मुक्ति बने कुछ नहीं चाहना। क्या करेंगे भजन करो, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं चाहे तो क्या करो भजन करो। दूसरा कहता हम तो सब तो चाहते हैं, संसार का मान आदर सत्कार निरोगता संसुख मुक्ति कल्याण प्रेम और भगवान को चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्या करें? सब चाहते हैं तो भजन करो। सब चीजें भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता, ये तो सर्व काम है, तो भगवान का भजन करो। तुम क्या चाहते हो? हम तो मुक्ति चाहते हैं भगवान, ना संसार चाहते हैं, ना चाहते हैं, हम तो केवल क्या करेंगे भजन करो। ये भगवान का भजन सब अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यदि मान जो आप जो विचारे भक्ति योगे सेवते सब गुण संतान ब्रह्म है, सब गुणों को अतिक्रम के गुणातीत हो जाते हैं। तो भगवत भक्ति ऐसी एक विचित्र है, सब में काम देती है। निहाल कर देती है, तो स्वरूप में स्थिति हो जाती है, निहाल हो जाता है। स्वरूप सदैव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमद और सहज सुख रस। अब सहज सुख रस बार क्या दुख तो रहता है, चेतन अमद और सहज सुख रस, पर वो बड़ वर्तमान है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम दिन दिन नया हो। भगवत प्रेम में ये बात होती है, ये नयापना रहता ही है, कभी कमी नहीं होती, बड़ा अनंत प्रतीक्षा वर्धना हो। निर्वचन नहीं कर सकते कैसा आनंद है, कह नहीं सकते, कहने में तो भाई संसार का विषय भी नहीं कह सकते। मिश्री कैसी मीठी होती है, मीठी होती कैसे, दाख जैसी होती है ना, गुड़ जैसी होती है नहीं, खुशबू जैसी होती है ना, तो कैसी मीठी होती है, तो मिश्री लड्डू जैसी होती है नहीं, सीधी जैसी होती है ना। अब कुछ हो गए ना के तो कैसी होती है, अब कैसी का मिश्री विश्री जैसी होती मिश्री। तो संसार के विषय का भी वर्णन नहीं होता तो आनंद का क्या होगा। मन बुद्धि चित्त अहम इति विश्राई, मन बुद्धि चित्त अहम इति विश्राई, मन बुद्धि चित्त अहम भी विसर जाता है। अब उनको कौन है, उस प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ऐसा आनंद मिलता है, मनुष्य मात्र को मिल सकता है। संसार से तो लोग आशा रहते हैं, आशा कभी पूरी हुई नहीं किसी की, और भगवान की आशा करी तो किसी की अपूरी नहीं, सबकी पूरी हुई, सबकी पूरी उस चेतन नहीं, किसी की पूरी नहीं उस व्यक्ति है दौड़ते, तो किसी की पूरी नहीं आप कैसे पूरी हो जाएगी। धन की भूख जो धन देता दे देते बढ़ती जाती, अधिक धन वाला अधिक धन गिरी, थोड़ा धन वाला थोड़ा करेंगे, छोटा करेंगे वो बड़ा देंगे, धन तक मिटाई सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबूल भगेगी, भूख मिटती है नहीं, पदार्थ से तुझे नहीं होती,
मुझ देखता है धनों से धनवान हो जाएंगे, धनवान से कमल हो जाओगे, धनों से कमल हो जाओगे। धनवान की इच्छा होती निर्धन होती नहीं होती, निर्धन उतना गरीबी नहीं है, धनवान बहुत बड़ा गरीबी, लाखों करोड़ों रूपये भूख होती उसे पूरी होती नहीं, जो जिन प्रति लाभ लो वाली वाली ये बात है। भगवान में लग जाओ, भगवान का प्रेम बढ़ता ही रहे, मस्त होती है, मस्त याद आता ही रहे। नारायण 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 नारायण।